नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज न्यूरोथेरेपी, न्यूरोथेरेपी क्या है। न्यूरोथेरेपी भारतीय चिकित्सा पद्धति है। इसके फाउंडर डॉक्टर लाजपत राय मेहरा है। न्यूरोथेरेपी प्राचीन काल में भी विद्यमान थी, यानी कि ऋषि मुनियों के काल में भी न्यूरोथेरेपी का चलन था, लेकिन इसको प्राचीन काल में नाड़ी मर्दन क्रिया के नाम से जाना जाता था। कुछ कारणवश ये पद्धति विलुप्त हो गई, लेकिन डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी ने इसे दोबारा प्रस्तुत किया, यानी कि हमारे सामने इसका दोबारा से प्रस्तुतिकरण किया गया और इसको नाम दिया गया न्यूरोथेरेपी। ये एक साइंटिफिक थेरेपी है, यानी कि एक्सपीरियंशियल थेरेपी है, अनुभव सिद्ध चिकित्सा पद्धति है। इसमें हम बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पर प्रेशर देते हैं, यानी कि जो ग्लैंड ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहे हैं या जिस ग्लैंड को जितना केमिकल बनाना चाहिए वो किसी कारणवश नहीं बन रहा है, हम पेशेंट को नीचे लिटाते, दोनों साइड में चेयर रखते या एक फ्रेम रखते, उस पर हम प्रेशर देते हैं पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग, उसको हम प्रेशर देते हैं। न्यूरोथेरेपी में 6 सेकंड का बहुत महत्व है। 6 सेकंड का एक लॉजिक है कि हम अगर 6 सेकंड प्रेशर देते हैं तो हम इस ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देते हैं। जब ग्लैंड ठीक प्रकार से काम करने लग जाता है तो डिजीज क्योर हो जाती है। नाभि को केंद्र मारकर न्यूरोथेरेपी में हम इलाज करते हैं। कहा जाता है कि नाभि से 72,000 नाड़ियां निकलती है और वो हमारी बॉडी पर अलग अलग कार्य करती हैं। जब इन नर्व्स का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि जो केमिकल सिक्रेशन है वो प्रॉपर नहीं हो रहा होता, तो हमें बहुत सारे रोग आ जाते हैं। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण होता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज इंसुलिन नाम का हार्मोन बनाती है, और भी हार्मोन बनाती है, लेकिन एक मुख्य हार्मोन जो है वो इंसुलिन है। जब इंसुलिन ठीक प्रकार से नहीं बन रहा होता, या कहें कि ब्लड जो पैनक्रियाज ग्लैंड है वो ठीक प्रकार से अपना वर्क नहीं कर रही है, उधर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है या उधर टॉक्सिन डिपॉजिट हो गए हैं, तो पैनक्रियाज का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है और कहते हैं कि इसकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा। हम न्यूरोथेरेपी के माध्यम से पैनक्रियाज को स्टिमुलेट कर देते हैं। जब हम पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करते हैं तो पैनक्रियाज जैसे स्टिमुलेट होगी वो इंसुलिन नाम का हार्मोन सिक्रेशन ठीक प्रकार से करती है, और हमारी बॉडी में जब इंसुलिन बढ़ने लग जाता है बढ़ने लग जाता है तो जो डायबिटीज है वो कंट्रोल में आ जाती है। इस प्रकार से हम न्यूरोथेरेपी में इलाज करते हैं। न्यूरोथेरेपी सीखने में बहुत आसान है, बहुत बड़े ग्रुप को बड़ी आसानी से हम न्यूरोथेरेपी सिखा भी सकते हैं, क्योंकि न्यूरोथेरेपी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है। न्यूरोथेरेपी कोई भी व्यक्ति सीख सकते हैं, चाहे आपके 18 वर्ष है, आपकी 60 वर्ष है, तो भी आप न्यूरोथेरेपी कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इजी थेरेपी है, बड़ी आसानी से सीखा जा सकता है। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो आप हिंदी मीडियम के माध्यम से भी न्यूरोथेरेपी को बहुत अच्छे प्रकार से सीख सकते हैं। हर कोई व्यक्ति न्यूरोथेरेपी उपचार करा सकता है, चाहे आपका छोटा बच्चा है जिसकी उम्र 1 वर्ष है तो वो भी न्यूरोथेरेपी उपचार ले सकता है। उसको हम हाथ से ट्रीटमेंट करते हैं। आपकी एज 80 वर्ष है तो भी आप न्यूरोथेरेपी उपचार ले सकते हैं, उस कंडीशन में भी हम आपको हाथ से उपचार करते हैं। आपकी एज 40 वर्ष है, आपकी एज 30 वर्ष है, आप वयस्क हैं, तो आपको हम पैरों से थेरेपी करते हैं। इस थेरेपी में जब हम प्रेशर देते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करते हैं। जो ग्लैंड ठीक प्रकार से काम नहीं कर रही है या जिस ग्लैंड को जितना केमिकल बनाना चाहिए वो किसी कारणवश नहीं बन रहा है, जब हम प्रेशर देते हैं तो उस ग्लैंड को हम एक्टिवेट कर देते हैं। जब ग्लैंड ठीक प्रकार से अपना वर्क शुरू करना अपना काम ठीक प्रकार से करती है तो वो केमिकल सिक्रेशन जब ठीक प्रकार से करेगी तो डिजीज क्योर हो जाती है। बहुत गजब की थेरेपी है। इसमें हम नाभि को केंद्र मानकर इलाज करते हैं, एसिड अल्कलाइन का बैलेंस करते हैं। इस प्रकार से हम न्यूरोथेरेपी में इलाज करते हैं। न्यूरोथेरेपी बहुत इजी थेरेपी है, बहुत इजी वे में। इसमें हम आपको न्यूरोथेरेपी की संपूर्ण जानकारी देते हैं, न्यूरोथेरेपी की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे न्यूरोथेरेपी में हम इलाज करते हैं, ये सब हम आपको न्यूरोथेरेपी कोर्स के दौरान सिखाते भी हैं। आपको चाहे छोटा रोग है या आपको कोई बड़ा रोग है, यानी कि आपको सर्वाइकल है, आपको कमर दर्द है, आपको घुटना दर्द है, इसका हम इलाज भी करते हैं। और जो हमारे यहाँ कोर्स करते हैं उनको छोटी सी छोटी बीमारी से लेकर बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करना भी हम कोर्स के दौरान सिखाते हैं। इसलिए अगर आप मरीज हैं तो भी आप न्यूरोथेरेपी अपना सकते हैं। आप अपने फ्यूचर को लेकर चिंतित हैं तो आप न्यूरोथेरेपी कोर्स करके अपना फ्यूचर बना सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। दोस्तों, आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें,
वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन तो जरूरी दबा दें, जिससे कि जो भी वीडियो फ्यूचर में हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे।